साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी के साथ हैं रामेश्वर शर्मा जी, वरिष्ठ भाजपा विधायक। ओवर टू यू मनोज, क्या कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा? और पूछिएगा कि बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता है तो प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं जवाहरलाल नेहरू, क्या जवाहरलाल नेहरू से विरोध भी है खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का? जी बिल्कुल सरज जी, ये मुद्दा बहुत गरमाया और आज सदन के भीतर भी, सदन के भीतर तो नहीं कहेंगे बल्कि बाहर बड़ा चर्चा में रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरह का गोल कर दिया, मैं ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस के पास भी अब इसका जवाब भी देना है कि यदि अंबेडकर को हटाते हैं तो उचित है या नेहरू का हटाना गलत है। तो मेरे साथ रामेश्वर शर्मा जुड़ रहे हैं। रामेश्वर शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि अंबेडकर की प्रतिमा लगाना क्या गलत है, और दूसरी तरफ नेहरू भी प्रधानमंत्री थे और वो संविधान के निर्माता थे, तो फिर नेहरू क्यों नहीं? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सवाल है जो सदन जिस कार्य के लिए जाना जाता है, ये संविधान निर्माण के लिए सदन है, ये विधायिका यहाँ पर तैयार होती है, यहाँ पर कानून बनते हैं, और बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया है, और इसलिए पूज्य महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र होना ये इस बात का द्योतक है कि हम लोग संविधान की तो शपथ लेते हैं, उसको अक्षुण रखने की भी बात करते हैं, उसके ऊपर भरोसा और विश्वास भी करते हैं, तो बनाने वाले का चित्र तो होना चाहिए। कांग्रेस को क्या आपत्ति है, मुझे बताइए कांग्रेस को क्या आपत्ति है? अरे हम तो ये कहेंगे कि इन 60-62 साल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को इतना पीछे करा क्यों? ये कांग्रेस व्यक्तिगत एलर्जी थी कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर से, ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बड़े सदन में उनको जीत कर जाने दिया, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और तत्कालीन पूरी कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर के हराने लग गई और बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरा दिया, लोकसभा में उनको जीत के नहीं जाने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर के कहीं उनने चित्र नहीं लगाए। आज भोपाल में भी विशाल प्रतिमा है, कोई कांग्रेस ने एक भी लगाई हो तो बताइए। पहली प्रतिमा भी सुंदरलाल पटवाजी के नेतृत्व में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अंबेडकर जी की हमने ही भारतीय जनता पार्टी ने लगाई, और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों से, बाबा साहब के विचारों से सहमत है, पूज्य महात्मा गांधी के विचारों से हम सहमत है, राम काज के पद पर हम चले, रामराज के पद पर। वो पहले प्रधानमंत्री, वो कह रहे देश के पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा रहे। भैया, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है, संविधान बना तभी तो प्रधानमंत्री बने, संविधान बना तभी तो प्रधानमंत्री बने कि पहले प्रधानमंत्री बन गए बाद में संविधान बना, क्या हुआ? संविधान बना, जब संविधान बनाया, संविधान तैयार किया, तब उसके तहत तो सारी सृष्टि चलेगी ना, कि तुम सृष्टि अलग से चलाओगे। मुझे बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र से कांग्रेस को क्या एलर्जी है? क्या कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर को क्या चाहती है? बाबा साहब को वो सदन में नहीं देखना चाहती? बाबा साहब का मनोज कोई जगह तलाशी जा सकती है? कांग्रेस का कहना है कि अम्बेडकर जी से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके फोटो के तीन तीन नेताओं की फोटो नहीं हो सकती सदन में? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की फोटो से हमें कोई शिकायत, अम्बेडकर जी की फोटो से हमें कोई वो नहीं है, हम तो चाहते वो लगे, लेकिन उनके साथ यदि दो फोटो और लग जाए तो दिक्कत क्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी? अरे हम तो उनसे ही पूछ रहे हैं कि अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लगा क्यों नहीं, ये तो दिक्कत थी और अब लग गया तो अब हटेगा नहीं। मतलब ये मान लें कि फोटो की राजनीति 2024 से पहले मध्य प्रदेश से एक नया मुद्दा मिल गया भारतीय जनता पार्टी को 2024 चुनाव से पहले अम्बेडकर को लाकर? देखिए, फोटो की राजनीति नहीं, ये अटल जी ने लोकसभा में नेहरू जी की फोटो हटी थी मनोज, तो उन्होंने अधिकारियों से कह के अगले दिन लगवा दी थी फोटो। भाग्य के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, गरीब को आसरा दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं, बीमारी को इलाज के लिए 5 लाख रुपए दे रहे हैं, जिसके घर में पानी नहीं है पानी भेज रहे हैं। आपको याद होगा कि जब नेहरू की फोटो संसद से हटी थी तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था, दूसरे दिन फोटो वापस लगवा दी। देखिए, संसद की गैलरी में थी, वहाँ पीठासन पे के अध्यक्ष के उस पर नहीं थी, चेयर पर नहीं, गैलरी में ही लगवा दें नेहरू जी की फोटो, मध्य प्रदेश विधानसभा की गैलरी में तो आपत्ति नहीं है। और हम नेहरू जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कांग्रेस द्वारा जो हो रहा है वो किसी भी कीमत पर गैलरी में लग सकती है नेहरू की फोटो, ये तो सदन का, मैं चूंकि जो तो सदन तय करेगा, मैं तो तय करने वाला नहीं हूँ, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगाए, हम खुश हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, और बाबा साहब के संविधान के प्रति हमारी आस्था, भरोसा, विश्वास है। शरद जी, आप बहुत स्पष्ट समझ रहे होंगे कि रामेश्वर शर्मा, बिल्कुल 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 जी, ये लाइन है, वो लाइन क्या कह रही है? मुझे लगता है एक बड़ा मौका बीजेपी को मिल गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोज, बहुत साफ है, धन्यवाद आपका भी और रामेश्वर शर्मा।